जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है अपडेट के बाद 200 तक आप सेंसिटिविटी प्लस कर सकती हो, और इसका साइज एंड पोजीशन सही रहा तो फर्क नहीं पड़ता आप लोइंग डिवाइस में खेलते हो या हाई डिवाइस में खेलते हो, आप एकदम इजीली ऐसे वन शॉट हेडशॉट मार पाओगे। एंड या अगर आप ड्रैग बटन से ग्लो लगाते हो तो ऐसे फास्ट 360 डिग्री ग्लो और फास्ट सेटअप वॉल लगा पाओगे। बट एक सेकंड, तुम्हें ऐसे ही नहीं पता चल जाएगा कि तुम्हें ड्रैग बटन का क्या साइज एंड पोजीशन रखना चाहिए, तुम्हें पहले एक मंत्र बोलना पड़ेगा। वो मंत्र ये है, नमो नमो सब्सक्राइब करा, वीडियो लाइक करा, कमेंट करा, नमो 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 सब्सक्राइब करा। कुछ तरीका है भीख मांगने का? तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस इस वीडियो को मैं 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि हर बंदे के पास सेम डिवाइस तो नहीं होता है और हर बंदा सेम सेंसिटिविटी भी यूज नहीं करता है। एंड गलत मत समझना, 3 पार्ट का मतलब ये नहीं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसी वीडियो में 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइस के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट सेंसिटिविटी के हिसाब से बेस्ट ड्रैग वाले बटन की साइज एंड पोजीशन बताऊंगा, ठीक है। तो बिना को टाइप किए सबसे पहले बात करते जिसमें 60% फ्री फायर के प्लेयर खेलते हैं उस डिवाइस में, वो है लोइंग डिवाइस। लोइंग डिवाइस मतलब कौन सा डिवाइस? 4GB रैम मोबाइल, 3GB रैम मोबाइल, 2GB रैम मोबाइल, ये सब लोइंग डिवाइस में आते हैं और इसमें बहुत सारे फ्री फायर के प्लेयर अभी भी खेलते हैं, ठीक है। तो फिर ड्रैग वाले बटन का साइज एंड पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर लोइंग डिवाइस में खेलते हो तो आप क्या सेंसिटिविटी यूज कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोइंग डिवाइस में खेल रहे हो तो 150 के ऊपर ही सेंसिटिविटी रखो, मैं बोलूंगा 200 करके ही रखो। अगर आप 200 सेंसिटिविटी यूज करते हो तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगा पता है? आपका मूवमेंट ऐसे फास्ट होगा, बट एक प्रॉब्लम होगा, वो है गोली रिकॉइल मारेगा। इसलिए मैं आपको एक परफेक्ट ड्रैग वाले बटन का साइज एंड पोजीशन बताऊंगा। अभी सबसे पहले साइज की बात करूं, जैसे कि मैं अपने कस्टमर चुरी में आ चुका हूं, तो साइज की बात करूं तो आपको साइज रखना है 55 ही आपको रखना, जैसे कि मैंने रखा है। अगर बढ़ाना भी है तो 58 कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा मत करना। और बात करूं पोजीशन की, तो आपको किधर रखना चाहिए, आप रख सकते हो इस जगह पे, ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, इस लाइन में आपको ये ड्रैग वाले बटन को रखना है। और एक चीज मैं आपको हैंड कैम में दिखा रहा हूं, ये देख सकते हो ये मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल का स्क्रीन देख सकते हो थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, और मैंने एक अच्छा सा ग्रिप बना लिया जैसे मैं नॉर्मली बनाता हूँ। और एक बार थंब को अच्छे से क्लिक करके देखो, मींस किधर आपको कंफर्ट फील हो रहा है। मेरे को इस लाइन में कंफर्ट फील हो रहा है, इसलिए मैंने आपको भी सजेस्ट किया कि इस लाइन में रखो। बट बहुत सारे बंदों का जो मोबाइल का स्क्रीन है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे कि मेरे पास ये वाला मोबाइल है, इसका स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको आप ये लाइन से हटा के इस लाइन में डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप लोइंग डिवाइस में भी खेलते हो और आपका मोबाइल का स्क्रीन बड़ा है तो आप इस लाइन में डाल सकते हो। और एक चीज सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इसमें, अगर आप लोइंग डिवाइस में खेलते हो और आप ऐसे प्यारे प्यारे वन शॉट हेड शॉट मारना चाहते हो और 101% लगेंगे, वो है ये कि ड्रैग वाले बटन को थोड़ा सा नीचे रखना। हाँ मुझे पता है सेंसिटिविटी 200 हो चुका है, बट फिर भी नीचे रखना। नीचे रखने से क्या होता है पता है? तुम एकदम एक्सट्रीम शॉट रेंज में भी हेडशॉट मार पाओगे कौन से भी गन से, इसलिए नीचे रखना। ये हो गया लोइंग डिवाइस के लिए परफेक्ट ड्रैग वाले बटन का साइज एंड पोजीशन। तो अभी बात करते हैं मिड डिवाइस के बारे में, मीन 6GB रैम वाले के बारे में। अगर आप 6GB रैम वाले में खेलते हो तो ड्रैग वाले बटन का क्या साइज एंड क्या पोजीशन रखना चाहिए? तो सबसे पहले साइज की बात करूं तो 60 साइज रखना है, इसमें कम ज्यादा मत करना, परफेक्ट 60 साइज रखो। एंड 6GB रैम वाले की बात करूं तो 6GB रैम वाले कभी छोटा होता ही नहीं, उसका स्क्रीन हमेशा बड़ा ही होता है, तो आपको इस लाइन में रखना ड्रैग वाले बटन को, और थोड़ा सा जो ड्रैग वाला बटन है उसको नीचे रख लेना। और नीचे रखने को क्यों बोल रहा हूँ पता है तुम्हें? क्योंकि मैं तुम्हें बोलूंगा सेंसिटिविटी 140 रखो, क्योंकि अगर आप 6GB रैम मोबाइल में खेलते हो तो 140 से लेके 150 तक सेंसिटिविटी रखते हो तो भाई बहुत प्यारे हेडशॉट लग रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यारे। तो एक बार तुम ट्राई करना इतना सेंसिटिविटी पे, इधर ड्रैग वाले बटन को रख के ये साइज में रख के एक बार हेडशॉट मारने की कोशिश करना, अगर तुम 6GB रैम मोबाइल में खेल रहे हो तो। अगर हेडशॉट लग रहे तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी बात करते हैं गाइस, अगर आप हाई डिवाइस में खेलते हो तो आपको क्या ड्रैग वाले बटन का साइज एंड पोजीशन रखना चाहिए और क्या सही सेंसिटिविटी रहेगा जिससे आपके प्यारे प्यारे हेडशॉट लगे, मूवमेंट भी अच्छा हो। तो सबसे पहले सेंसिटिविटी की बात करते हैं, मेरे को पहले ही बोल देना चाहिए था कि अभी आप जो सेंसिटिविटी यूज कर रहे हो ना, उस सेंसिटिविटी में भी आप ये जो ड्रैग वाले बटन का मैंने साइज एंड पोजीशन बताया हर एक का, लोइंग डिवाइस, हाई डिवाइस, मिड डिवाइस का, वो रख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने जो सेंसिटिविटी बताया उसके साथ रखोगे तो शायद आपके ज्यादा हेडशॉट लगे नॉर्मल से। तो मैं अभी बात कर रहा था हाई डिवाइस की, तो हाई डिवाइस में भी सेम जो 6GB रैम मोबाइल में रखा था ना सेंसिटिविटी 40 से लेकर 50 के बीच में रख सकते हो, या ज्यादा बढ़ाना भी है अगर दोनों डिवाइस में 6GB रैम मोबाइल में, 8GB रैम मोबाइल में, या उससे ऊपर के डिवाइस में, तो 160 से ज्यादा मत बढ़ाना। और बात करो ड्रैग वाले बटन की साइज एंड पोजीशन की, तो साइज आपको रख ले रहे हैं 60 से लेके 65, मैं खुद रखता हूँ 62 क्योंकि मैं हाई डिवाइस में खेलता हूँ। और बात करूँ इसको कौन से लाइन में रखना चाहिए, तो आपको इतना तो पता है हाई डिवाइस बड़े होते हैं, मीन उसका जो स्क्रीन होता है वो बड़ा होता है, तो आपको इस लाइन में रखना है ड्रैग वाले बटन को, और उसका जो पोजीशन है वो आप इधर रख सकते हो। इसको आपको नीचे रखने की जरूरत नहीं, इस डिवाइस में ऑलरेडी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत प्यारे प्यारे वन शॉट लगते हैं। बट मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, बहुत बार होता है ना कि हेडशॉट नहीं लग रहे, बहुत ट्राई कर रहे हो हेडशॉट नहीं लग रहे, तो मैं एक पोजीशन बता रहा हूँ हर एक डिवाइस के लिए बता रहा हूँ। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो रहा है कि हेडशॉट ही नहीं लग रहा कितने भी ट्राई कर रहे हो, तो एक चीज करना है, जिधर आपने ड्रैग वाला बटन रखा है उधर ही
रहने दो, बस उसका पोजीशन थोड़ा सा नीचे कर देना, हल्का, ज्यादा भी मत करना, नहीं तो फिर क्लिक करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो हल्का नीचे कर दो, तुम्हारे हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ये ट्रिक मैं खुद फॉलो करता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग भी फॉलो करते हैं, जब हेडशॉट नहीं लगते ना तो ये करके एक बार ट्राई करना, तुम्हारे हेडशॉट लगने लगेंगे। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बट एक सेकंड तुम्हारे अभी भी हेडशॉट नहीं लगेंगे, परफेक्ट साइज नहीं मिलेगा अगर तुमने ये मंत्र को अच्छे से नहीं बोला है तो। नमो नमो, सब्सक्राइब करा, वीडियो लाइक करा, कमेंट करा, नमो 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 नमो, सब्सक्राइब करा। या इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं शुरू में, तब तक ले बाय बाय एंड पीस। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।